मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डेलनपुर स्थित नकली दूध एवं दुग्ध उत्पादन की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां से शहर में सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध सप्लाई हो रहा था। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन एवं खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में मिलावटी दूध, सफेद पाउडर एवं अन्य केमिकल बरामद किए हैं। भाई जी, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। जब्त किए गए दूध के सैंपल में भी खाद एवं औषधि विभाग की टीम लिए है। वहीं जांच रिपोर्ट आने पर फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई होगी। खास बात यह है कि रतलाम शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित इस दूध की फैक्ट्री में मिलावटी दूध एवं दुग्ध उत्पाद बनाया जा रहा था, लेकिन खाद्य विभाग की टीम इस उत्पाद यूनिट के बारे में अनजान थी। दरअसल रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को मिलावटी दूध शहर में सप्लाई किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर कलेक्टर ने शहर SDM अनिल भाना के नेतृत्व में प्रशासन एवं खाद्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा। डेलनपुर स्थित गणेश डेयरी पर छापे के दौरान वहां बकायदा एक मिल्क प्रोडक्शन यूनिट मिली है। डेयरी के नाम पर यहां पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जब्त किए गए दूध एवं दुग्ध उत्पाद में कौन से केमिकल की मिलावट की जा रही थी, यह जांच के बाद पता चल पाएगा। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर और अन्य प्रकार के केमिकल बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान निरीक्षण करने कलेक्टर राजेश बाथम भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया है। खाद्य विभाग की टीम ने दूध एवं दुग्ध उत्पाद के सैंपल के साथ ही मौके से मिले सफेद पाउडर और केमिकल के नमूने एकत्रित किए हैं। SDM अनिल भाना ने बताया कि मौके से सैंपल एकत्रित किए गए हैं, आगे की कार्रवाई के लिए इनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। प्रथम दृष्टया दूध में मिलावट करना पाया गया है। इनके द्वारा प्रतिदिन खरीदे जाने वाले दूध और बेचे जाने वाले दूध की मात्रा का मिलान भी करवाया जा रहा है। नहीं, वो टिप मिली थी कलेक्टर साहब को कहीं से, तो साहब ने निर्देशित किया था कि आप जाएं और जगह छानबीन करें, जांच करें। आज सुबह पूरी अमले के साथ में वो यहाँ आए थे और यहाँ देखा है और सैंपलिंग की है। अब सैंपलिंग के बाद मालूम होगा कि कल परसों तक की क्या पोजीशन है केमिकल एनालिसिस के बाद में। हालांकि यहाँ पे मिलावट तो हो रही है, जैसे पाउडर वे पाउडर वगैरह इन्हें बिल मिले उसके, फिर साथ में दूध के पाउडर का मिला है, तो अब क्या है वो एनालिसिस के बाद मालूम पड़ेगा। कौन सा फर्म था और यहाँ क्या हो रहा था, किस चीज़ में मिलावट हो रही थी, क्या पकड़ा? ये गणेश दूध डेयरी है, ये पलसोड़ा के आगे। तो इसकी खबर मिली थी कि यहाँ पे जैसे दूध का प्रोडक्शन होता है, अभी हम आवक भी चेक कर रहे हैं कि आवक कितनी आती है इनके पर डे की लेजर से, इनके बिल से, और पर डे जाता कितना है उसको भी देख रहे हैं। तो अभी एक दो दिन में पूरा स्थिति क्लियर होगी। कुछ ऐसे बिल या केमिकल मिले हैं आपको जिसको प्रशासन के जो शक है वो? अब वो जब तक केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो कोई बोलना बेकार है। अभी जब्ती में ले रहे हैं दूध वगैरह? कुछ अभी कुछ नहीं ले रहे हैं। दूध कहाँ से आ रहा था? दूध आस पास के गाँव से इनने बताया कि भाई खाचरो तक से आ रहा था इनका दूध, खाचरो, सैलाना, सरवन, थोड़ा इधर से आता था इनका। सप्लाई ये जिले में थी कि सप्लाई जिले? सप्लाई तो बाहरी अमूल को करते हैं, कभी इनका ट्रक चित्तौड़गढ़ तरफ जाते हैं, कभी इनका ट्रक गुजरात तरफ जाते हैं। अभी ये कहाँ करते हैं ये तो ये। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं, भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध है। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।